अरे ये तो मास्टर है, क्या कर रहा है भाई झाड़ियों में, क्या कर रहा है भाई ये क्या है भाई भाई, दिस इज मास्टर बट चिल दीस। कैसे हैं आप लोग, आए हो आप लोग बड़ी आएंगे तो आज हम जाने वाले हैं चोर बाजार। हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। ये सबसे गलत है, कल के दिन बच्चों में देख रहे हैं, ट्विटर सब देख रहे हैं, क्या शिकार है हो तुम बोलते हो पढ़े लिखे हो, कहां में पढ़े लिखे हो। यार पब्लिक, आजकल मैं हर किसी को देख रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हुए, उसमें इन्वेस्ट करते हुए, बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अच्छा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं मिल पा रहा। रुको, टेंशन किस बात की, तुम्हारा भाई लेके आ गया इंडिया का सबसे सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जो की है CoinDCX। CoinDCX इंडिया का सबसे सेफेस्ट और सिंपल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल रजिस्टर करो, बैंक अकाउंट लिंक करो और ट्रेडिंग करना चालू कर दो। तुम यार CoinDCX पे डिपॉजिट कर सकते हो एज लो एज 100 INR एंड क्रिप्टो भी खरीद सकते हो एज लो एज ₹10। CoinDCX is insured by BitGo and also ISO certified, means full on safety. CoinDCX का एक learning platform भी है जो कि है DCX Learn, जहाँ पे तुम cryptocurrency and blockchain के बारे में आसानी से समझ सकते हो, वो भी free में। Also यार अगर तुम मेरा coupon code use करोगे ना Master100, तो तुम्हें ₹100 के Bitcoin बिल्कुल free में मिलेंगे यार। तो यार पब्लिक वेट किस बात का, फटाफट से डिस्क्रिप्शन पे जाओ, CoinDCX app को डाउनलोड करो और खूब सारे पैसे कमाओ मास्टर भाई थर की तरह। रावत मेरा भाई और कैसा मेरे भाई, मैं एक नंबर, ये तो मास्टर है। तो देखो पहली बात तो यार अपने भाई को अपन वेलकम बोलेंगे, भाई वेलकम है दिल्ली में। ओके, बहुत टाइम बाद आया है भाई, कितने टाइम बाद आया? 6 महीने बाद आ रखा हूँ। एक तो मैं बता रहा हूँ कोरोना ने ऐसी मार रखी ना भाई, 3 महीने मिलते हैं, 1 साल की छुट्टी, फिर 3 महीने के लिए बोल देते हैं कि हाँ कॉलेज खुलने वाले, फिर 1 साल छुट्टी। अभी भी मतलब न्यूज आ रही है कि भाई थर्ड वेव आने वाला है और अपन खुश है कि हाँ कॉलेज खुल रहे हैं, मंडे से खुलने ही वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वेव कैसा क्या हाल करके, लेकिन यार एक चीज है, अपना बेसिकली प्लान क्या था भाई, अपन गाड़ी निकालेंगे है ना, गाड़ी निकालेंगे, और इसने कभी भी गाड़ी अपनी लेके नहीं आया भाई, कभी भी रहता है हमको। आज मेरा प्रॉपर मूड था कि हाँ गाड़ी से अपन चलेंगे नोएडा, फुल बच्चों करते दोनों भाई, लेकिन भाई सच में इतनी ज्यादा बारिश हुई ना दिल्ली में। ये अपने टीकू भाई, ये टीकू भाई कैसे हो, ऐसे करो ऐसे बोलो, फुल गलत, फुल गलत। भाई जो अपन ने वीडियो आई थी ओला वाली याद है, वो फेक गन पर है। मैं तुम्हें सीन दिखाया तो तुम देखो, अभी तो मौसम सही है, लेकिन टीकू भाई जिन रस्तों से अपन आए हैं भाई, कितने खराब रस्ते, बिल्कुल खराब रस्ते थे, पानी भरा हुआ है फुल, सुबह के टाइम पे भाई ऐसे बादल ऐसे फट रहे थे। अच्छा, और अब यहाँ से मतलब निकलते अपन नोएडा, सफर थोड़ा लंबा है लेकिन मजा आएगा। तुमने यार आज की वीडियो को पूरा सीन देखना, बाकी तुम देख लो यहाँ पे मैंने अपना बैग भी ले लिया, इसके अंदर अपना लैपटॉप सब ले लिया, मतलब अपने को एडिटिंग भी करनी होगी ना, वीडियो अपन स्किप नहीं कर सकते वो तुम जानते हो। बाकी भाई पन्नी में क्या लेके आए, नूडल्स थे मैं खा रहा था, फिर तेरा एकदम कॉल आ गया, मैंने उसको बोला पैक कर देते हैं। अच्छा, तो तेरे लिए लेके नहीं आया। अच्छा बेसिकली क्या है, रावत को ना एक बदला लेना है मनीष से, और वो तुम्हें सीन ना प्रॉपर पहुंच के बताऊंगा, ठीक है, मतलब इसीलिए ही जा रहा हूं वहां पे। तो भाई से मिलने नहीं आया, वो तो मेरा पार्टनर है भाई। हाँ, अपन दोनों मिलके बदला लेंगे, और वो बदला कैसा क्या होगा तुम बस देखना वीडियो में, ठीक है, मतलब वो बदला तभी पूरा हो सकता है जब बंदा सो रखा हो। ये कौन सा बदला है भाई, टीकू जी आपके साथ भी लेना क्या, कैसे टीकू भाई बोल रहे मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा यार, इसका यही है, ओला वालों साथ ये यूं करता रहता है। मैं तभी तो मास्क बाल लंबे करके इसलिए आया हूं कि मेरे को भी पहचान ना पाए कि मेरी हरकतें ऐसी हैं। हां यार मास्क बेटा दिखा दो अपना जरा, मास्क बेटा क्या कर रहा है भाई, झाड़ियों में क्या कर रहा है भाई, शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? यार देखो मतलब मैं हाथ से नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, हाईवे में सुसू करने का तो मजा है ना भाई, मतलब तो हवा चलती है, सारी गाड़ी बहुत तेज जा रही होती है, जब पर अपना अस्त्र निकालते हैं उसमें तो हवा पड़ती है, ओए ओए, मतलब हाईवे में कूदने का जैसे बोलते ना घंट मजा, फुल गलत था छुट्टे नहीं भाई, बाय बाय, चलो भैया चलो एक बनना। और देखो सबसे मेन चीज, रावत भाई को तुम लोग ना कमेंट्स में बोल दो कांग्रेचुलेशन, किस बात के लिए, क्योंकि रावत भाई का ब्रेकअप हुआ है। अभी अपन ने ना कॉन्टिन्यूसली आधा घंटा लगातार मैंने बात करी रावत से, रावत ने मुझे पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे कैसे क्या ब्रेकअप हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, रावत इज बैक अगेन, रावत दोबारा सिंगल हो गया है, जितने भी अपने पुरुष देख रहे हैं भाई तुम लोग कर सकते हो रिलेशन, पुरुष वाइफ है उसको अगर पता चल जाए तुम ऐसे काम कर रहे हो दूसरी लड़कियों के साथ, दूसरी स्लट्स के साथ, तो तुम्हें कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, विश्वास उसके अंदर हमने भर रखा है, एक आत्मविश्वास दे रखा है, टेस्ट कर करके जो टेस्ट करना क्या होता है, टेस्ट करना क्या होता है, टेस्ट करना, तुम्हारे को कौन सी तरीके की लड़की चाहिए, शरीर सब तुम्हारे पास है या कुछ है, शरीर पे हर चीज देख देख के देख के देना पड़ता है, 50,000 में नाइट में जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे धंधा है, एक एक करके सब काम छोड़ दू गया, पुलिस ने डंडा मार के फेंक दिया था, पुलिस को डंडा भी ले लिया,
और तुम वीडियो बना रहे हो, मूतने का वीडियो बना रहे हो, ये क्या मतलब है? यूट्यूब में कौन देख रहा है मूतने का वीडियो भाई? गलत है ये, सबसे गलत है। कल के दिन बच्चों में देख रहे है, ट्विटर सब देख रहे है, क्या सिखा रहे हो तुम? तुम बोलते हो पढ़े लिखे हो, कायम कायम में पढ़े लिखे हो। तुम बुरा मान गए हो क्या? बहुत बुरा है, बहुत गलत काम करते हो। ये ट्विटर बना के, ये बहुत गंदा चीज है। ट्विटर बना के? हाँ, ये जो यूट्यूब में डालते हो, ट्विटर बना के उतने का हगने का। ये अपने कैब में हुआ क्या था? तो तूने वो वीडियो रिकॉर्ड करी है, पब्लिक जानना चाहती है यार। एक्चुअल में क्या होता है, जब बंदा किसी की बातें सुनता है। अच्छा। हम दोनों जब बात कर रहे थे ना, तो तीसरा बंदा जो कि टैक्सी ड्राइवर था। अच्छा। वो हमारी बातों में इन्वॉल्व था, लेकिन बाद में उसने अपना मुंह खोला। इसलिए खोला इसने क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, जो लास्ट में फट गया, जो लास्ट में फट गया, उसने अपनी ही सच्चाई सबके सामने बता दी। उसको ये नहीं पता था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसकी, और वो क्या क्या बोले जा रहा था उसको आइडिया भी नहीं। जितना उसने बोला है ना, अपन ने उसका 10% रिकॉर्ड किया। मेन रीजन ये था उसका बताने का कि वो अपनी वाइफ के साथ, 5 बच्चे हैं उसके, वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है और 5 और हैं उसके साथ रिलेशन में हैं। तो ये उसका बताने का वो था, उसको नहीं पता था उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं तो तुम देख लो, मतलब मैं तुम बताता हूँ भाई सीन क्या है। मतलब अपन यार नोएडा में क्यों आ गए, जरा पब्लिक बता दे, हर चीज पब्लिक बता, मुझसे मांग कर। पहले सारा अपना जितना फ्लैट कॉलेज सब साउथ ईस्ट में था ना, लेकिन अभी अपन नोएडा है। इसके पीछे रीजन मनीष क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई की इंटर्नशिप लग गई। भाई पहली बात तो यार भाई को अपन कांग्रेचुलेशन विश करेंगे। किससे पूछ के आए? मैं भैया से। भैया की बहन से यार। मैं यार एक्टर, तुम ये तो धोखा खा गए, समझ रहे हो? अरे आपका आपका फैन, आपका फैन। आओ यूट्यूब भैया, जल्दी आ। ये भाई अपना सिगरेट के लिए लाइटर मांग रहा है। जनता प्लीज इनके मम्मी पापा तक इस बंदे को पहुंचाओ, सिगरेट पी रहा है यहाँ पे। ये बंदे वो हैं जो बाहर से आते हैं रूम लेके और यहाँ पे नशेबाजी करते हैं। बोल कर रहे, वही मैं देखता हूँ, बोल कर रहे। तुम्हारा एक डायलॉग फेमस है ना, तो एक बार बोल के दिखा दो यार। कैसे करते हो? दो बोल नहीं पाएगा क्या? ऐसा क्या कर रहा है भाई? क्या गाली दे रहा तू मेरे को? सेम टू यू। देखा भैया को। अब मैं पीजी में शिफ्ट हुआ, मैंने ये कहीं तो देखे मैंने यार। अरे अब मैं कह रहा कहाँ देखे हैं, कहाँ देखे हैं? भैया आए, मैंने कहा भैया आप रात को गाली किसको दे रहे थे? अच्छा ये बोलते हैं कि अरे मेरा दोस्त है, मैंने क्या नाम है भैया आपका, नाम बताया मैंने, ये मास्टर ऑर्डर। ओ भाई मैंने कही ओ भैया मिलो यार, ओ ऐसा मिलो मास्टर ऑर्डर से मिलवा यार, मैं पागल हो गया। ऑस्कर मिल गया कल ना, फुल गलत चोरी करो चोरी। तो देखो यार यहाँ पे अपना फुल खाना आ गया है, ठीक है, चावल और दाल। भाई पीजी खाना है? हाँ जी मास्टर बटर, वेलकम टू माय पीजी। आपको हम खिलाते हैं दाल चावल। अरे जो हम पिछले 10 दिन से खा रहे हैं, और कुछ मिलता नहीं है इधर। इनके हाथ में स्वाद बहुत, ये नेपाली वगैरह होते हैं ना, नेपाली ईस्ट साइड के, इनके हाथों में स्वाद बहुत होता है। गंदे शौक है इनके भाई। और बताओ और क्या दिख रहा है? और क्या क्या दिख रहा है भाई? शक्ल देखना तो चाहता था, बट देखने लायक नहीं है। हाँ कौन से नशे किए हैं? भोला खाया क्या? भोला भोले गोली खाई क्या? सुबह के 4:30 हो रहे हैं और अपन यहाँ पे मतलब फुल मस्ती में उमेगल कर रहे हैं। तुम लोगों ने मतलब क्लिप देख ही लिया ना, तो आओ और बच्चों दी करते उमेगल में। मतलब मैं तो देखो पहली बार उमेगल कर रहा हूँ। अबे वापस आ गया भाई, कहा भाई
ये क्या था भैया? आयुष्मान खुराना भाई, लग तो नहीं रहा यार। ड्रीम गर्ल देखिए। ओ यार आवाज तो वैसी लग रही है भाई, बुरी सेम लग रही है भाई। आप सुबह सुबह ओमेगल में आते हो क्या? हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। यार कोई वॉइस आर्टिस्ट तो नहीं है? जो भी हो मतलब एक बार लाइट में आ जाओ ना। तो यार देखो, मैं ना सुबह 6 बजे ही नोएडा से आ गया था, और अभी जस्ट मैं उठा हूं, और तुम देख लो यहाँ पे मैंने अपने लिए कुछ ये मतलब खाना मंगा रखा है, और इसके अंदर मैंने सुशी मंगाई। सुशी? हाँ, जापानी फूड में सुशी। सुशी नहीं गाई? तुम जरा पास से देखो, सुशी कुछ ऐसे होती है, देख रहे हो ये इन दोनों को देखो कैसे कैसे कुछ हुआ। इसके अंदर है थाई चिकन ग्रीन करी, और देखो ये अपना फ्राइड राइस, ठीक है, ये और ग्रीन करी बढ़िया से अपन खाएंगे। ये भी अपनी सुशी। यार जितना मुझे याद है मैंने ना एक बार ग्रीन करी खाई है, जब मैं यार शायद से जेट एयरवेज की फ्लाइट में था, तब अपने को कॉम्प्लीमेंट्री मिला था। लेकिन मैंने ग्रीन करी आज स्पेशली इसलिए मंगाई है क्योंकि यार मैंने अभी कोई वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू देखा, तो उसमें सहवाग ने कहा था कि यार उनको ग्रीन करी बहुत पसंद है, तो बस वो सुनकर ना मुझे याद आ। बाकी इस वीडियो को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को तो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, चैनल पे नहीं तो देखो सब्सक्राइब कर देना, घंटे का ऑप्शन भी दोनों में डालूंगा। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मास्टर बटन नहीं अपलोड कर दिन पहले वीडियो देखते हैं, ठीक है? और हां, चांस पर भाई को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लो, ठीक है? मतलब मैं एक बहुत बढ़िया चीज लाने वाला हूं, ठीक है, स्पेशली तुम लोगों के, तुम लोगों को अपन वो चीज फ्री में देंगे, और उसके लिए कैसे क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए देखो तुम लोगों को मास्टर बटन के चैनल से बने रहना है, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लो, क्योंकि इन स्टेप्स में इंस्टाग्राम का बहुत मेन रोल है, ठीक है? चलो वीडियो खत्म करते हैं। हां तो यार मैं मास्टर बटन मिलता हूं आपसे अगले में, तब तक के लिए गुड बाय। दे चिंगारी ना तेरा भाई करे गेरो सीने सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 ए सीन गेड़ा गेड़ा सीने 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 सीने। ये देख लो इन्हें, तुम देख लो सब तोड़ लो, ये करते हैं यहां पे भाई रावत, तुझे एकदम जितनी रत्ती भर की शर्म नहीं आई।